सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से कलर्स यूज़ पर्पल एंड कलर मैंने एज अ कम्प्लीमेंट्री स्कीम चेक की लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बट उसमें कलर कॉम्बिनेशन शैडो में वाइब्रेंसी को यूज़ करने के लिए ताकि शैडो बहुत ज़्यादा डल ना हो जाए डार्क सन पर्पल यूज़ किया तो उसी पर्पल कलर का रिफ्लेक्शन आना चाहिए ना ऑब्जेक्ट के ऊपर। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस राइट। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन आई एम बैक विथ सॉफ्ट पेस्टल ट्यूटोरियल। स्टिल लाइफ के ऊपर आज भी मैं काम करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई नए मीडियम या कुछ भी नया ट्राई करते हैं तो हम स्टिल लाइफ सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अगेन स्टिल लाइफ के ऊपर ही काम किया है। आज थोड़ा सा और भी ज़्यादा, मतलब थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं इस वर्क में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस के लिए मैंने लिया है वाइट, येलो ऑकर और एक ग्रीन है, मिंट ग्रीन कहें या सी ग्रीन कह सकते हैं, जैसे जो ग्रीन में थोड़ा सा ब्लू का शेड मिला होता है वो ग्रीन है। और उसके बाद है लाइट ग्रीन, अल्ट्रामरीन ब्लू, पर्पल एंड बर्नट अम्बर। और लेमन एंड एप्पल के लिए वाइट, येलो और येलो ऑकर, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, पर्पल, बर्नट अम्बर एंड अल्ट्रामरीन ब्लू, ठीक है। और फॉर बैकग्राउंड के लिए है वाइट और येलो ऑकर, पर्पल एंड बर्नट अम्बर, ठीक है। अब जैसे जैसे जहाँ पे जो कलर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं वो कलर लेती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर अभी मैंने किया था जिसमें जो लाइट और ग्रीन मिक्स था, उस कलर का नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट हाँ वो कलर मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है एंड पर्पल कलर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। तो जो ब्लू सी ग्रीन कह सकते हैं या मिंट ग्रीन कलर जो अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है, उस कलर को मैंने ऐड किया थोड़ा सा वाइब्रेंसी को ऐड करने के लिए। जैसे ये जो वेस है ये थोड़ा सा डल टाइप का कलर लग रहा था मुझे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वाइब्रेंसी ऐड करने के लिए इस कलर को मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कलर को, मतलब थोड़ा सा वाइब्रेंसी ऐड करने के लिए। आपको देखना होगा, समझना पड़ेगा कि कलर थ्योरी किस तरीके से काम करती है, तो उस कलर को हमें यूज़ करना है, ठीक है। और पर्पल कलर मैंने एज अ कम्प्लीमेंट्री स्कीम को ध्यान में रखते हुए मैंने जैसे येलो बैकग्राउंड में, जैसे जो बेस का कलर है उसमें भी थोड़ा येलोइश ग्रीनिश डल येलो ग्रीन कलर का ये बेस है, और जो हमारा एप्पल है, लेमन है, इनका भी बेस कलर बिल्कुल येलो है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बैकग्राउंड में एक पर्पल कलर का एक शैडो या फिर एक मतलब एक हारमोनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है। मतलब उसके एक मतलब शैडो, उसका एक रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर पर्पल कलर यूज़ किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कलर स्कीम होती है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने वर्क में किस तरीके से वाइब्रेंसी को ऐड कर सकते हैं, एक कलर ड्रामा को ऐड कर सकते हैं, हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है कलर स्कीम को समझने की, उसके पहले ज़रूरत सारे कलर थ्योरी को समझने की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं ट्यूटोरियल लाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैंने क्या किया, बेस को फिल करने के लिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं जब यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो वही बेस हमारा जो फंडामेंटल है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की टू वैल्यू की स्टडी करी, ठीक है। तो टू वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, एक लाइट फैमिली और एक शैडो फैमिली को मैंने अलग कर लिया, ठीक है, बर्न नंबर से, जो हमारा ब्राउन कह लो है ना, उस कलर से आप इसको टू वैल्यू में हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देखना अभी मैं यहाँ पे करूँगी, अभी मैं बस इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ, टू वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ बर्न नंबर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप शैडो फैमिली है उसमें मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू को और बर्नट अम्बर को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जो लाइट फैमिली होती है और जो शैडो फैमिली होती है दोनों का कलर डिफरेंट होता है, ठीक है। कलर इन द सेंस कलर कॉम्बिनेशन, जैसे जो कलर कॉम्बिनेशन हम शैडो फैमिली में यूज़ करेंगे वही सेम कलर कॉम्बिनेशन हम लाइट फैमिली में यूज़ नहीं करेंगे। हालाँकि ये हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट की लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट
उसमें कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा, ठीक है। एक कलर कॉम्बिनेशन सेम होगा जो कि बेस कलर होगा, बेस कलर इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट का जो कलर है बेस कलर है। जैसे अभी मैं एप्पल फिल कर रही हूँ तो येलो उसका बेस कलर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो एप्पल का जो लाइट फैमिली है, एप्पल की जो लाइट फैमिली का जो पार्ट है उसमें सेंटर लाइट है, उसमें मैंने येलो और ऑरेंज को मिक्स किया है, ठीक है। सेंटर लाइट कह सकते हैं, मतलब कि जो सेंटर लाइट का कर पार्ट है। अगर आपको सेंटर लाइट नहीं पता है तो आपको प्लीज़ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप पहले फंडामेंटल की अच्छे से स्टडी करें, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल डाल रखे हैं तो उसको आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेंटर लाइट में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज को मिक्स किया और जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे येलो के साथ वाइट को मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को बिठाना होता है। अब जब यहाँ पे मुझे शैडो फिल करना है तो शैडो में मैं अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्नट अम्बर को मैं यहाँ पे फिल करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो ऑरेंज है या फिर बर्नट सियना है अभी मैंने उसको भी यूज़ किया है थोड़ा सा शैडो में वाइब्रेंसी को यूज़ करने के लिए, ताकि शेडो बहुत ज़्यादा डल ना हो जाए, डार्क सा ना हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स है, तो जहाँ पे शेडो होगा वो भी उतना डार्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो के पार्ट में भी थोड़ा सा वाइब्रेंसी को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल और बर्न सियना यूज़ किया है। थोड़ा ऑरेंजिश शेड जो होता है बर्न सियना का, वो कलर और पर्पल कलर को यूज़ करके मैंने थोड़ी सी उसकी जो डार्कनेस है उसको कम करा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में जैसे मैंने पर्पल यूज़ किया तो उसी पर्पल कलर का रिफ्लेक्शन आना चाहिए ना ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ही बताया था कि अगर हम कोई कलर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे कर दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट पे उस कलर को ऐड नहीं किया। मतलब एक रिफ्लेक्शन सा होना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड में जो कलर है उसको आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके रिफ्लेक्शन को आपको दिखाना पड़ेगा, तभी वो लगेगा कि हाँ वो सेम बैकग्राउंड में रखा है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कहीं से कुछ भी उठा के कहीं से भी डाल दिए हैं, है ना। तो एक कॉम्बिनेशन, एक रिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए पर्पल कलर मैंने यहाँ पे एज अ रिफ्लेक्शन यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं जो शेडो का पार्ट है उसमें मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू, बर्नट अम्बर, पर्पल एंड ब्राउन या फिर ऑरेंज आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कलर मैंने यूज़ करके शेडो को फिल किया। और हाँ, इन सभी को येलो के साथ मिक्स किया क्योंकि जो हमारा बेस कलर है वो येलो है, ठीक है। तो इन सभी को मैंने येलो के साथ मिक्स किया, आप देख सकते हैं येलो से मैंने उसको हल्का हल्का ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो समझ आ गया कि लाइट फैमिली में मैंने कौन से कलर्स यूज़ किया और शेडो फैमिली में मैंने कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है और एक कलर को दूसरे कलर के साथ ब्लेंड करना है, फिंगर यूज़ नहीं करना है जैसे कि मैंने पिछले की ट्यूटोरियल में भी बताया था। तो आप वही करें, ठीक है। और जब डार्क कलर आप अप्लाई करेंगे तो अगर उस जो लाइट शेड है, जैसे कि अगर मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ किया यहाँ पे, तो जो लाइट शेड है, जैसे लाइट शेड कौन सा है, पर्पल या फिर ऑरेंज कह सकते हैं, तो उसको उस डार्क कलर को लाइट कलर के साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे फिल करें तो पर्पल मैंने अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर से मैंने येलो ऑकर को यहाँ पे अप्लाई किया उस चीज़ को थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, और थोड़ा सा और ब्लेंड करना होगा तो मैं वहाँ पे वाइट यूज़ करके उसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉथ में मैंने किस तरीके से ब्लेंडिंग करी, मैंने कौन सा कलर अप्लाई किया था, शेडो में बर्नट अम्बर और पर्पल कलर अप्लाई किया था, ठीक है, और साथ में अल्ट्रामरीन ब्लू भी अप्लाई किया था, उन तीनों को मैंने वाइट के साथ मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एक शेडो का एक कलर ब्लेंड होता हुआ भी मिक्स हो रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डार्क कलर यूज़ किया हुआ था, तो मैंने वाइट से जब मैंने मिक्स किया तो वो बहुत अच्छा मिक्स हो गया। और जहाँ पे क्लॉथ के पोर्शन में जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे मैंने पर्पल को वाइट से मिक्स कर दिया, तो फिर वो बहुत अच्छी वो वहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा फिंगर से स्मूथ ब्लेंडिंग करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर हम उस तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा एकदम फिंगर को रब कर करके जब हम ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कलर है वो भी डल हो जाता है और स्ट्रोक्स विजिबल स्ट्रोक्स की क्वालिटी भी, मतलब विजिबल स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे होते, तो हमारा वर्क उतना मैच्योर या फिर मतलब जैसे कि मैंने बताया है हर वर्क में कि स्ट्रोक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो दिखने चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल स्ट्रोक शुड बी विजिबल इन ऑल वर्क,
ठीक है, तभी आपका वर्क मैच्योर लगेगा। तो अगर आप उस चीज़ को पूरा ब्लेंड कर देंगे तो आपके स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे और फिर आपका वर्क उतना अच्छा मतलब मैच्योर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो स्ट्रोक्स को हर जगह ध्यान में रखना, चाहे आप कोई भी वर्क करें, किसी भी मीडियम को ट्राई करें, किसी भी कलर से आप करें, कुछ भी कर रहे हैं, आपके स्ट्रोक्स विजिबल होने चाहिए, तभी आपके वर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं वैस कर रही हूँ, तो लाइट फैमिली में मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है अभी आप देख सकते हैं। यह भी मैं सी ग्रीन जो है, मिंट ग्रीन है, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और शेडो में पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ, मिक्स किया मैंने उस चीज़ से। फिर उसमें थोड़ा सा अगर मुझे लाइट शेड जहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाना था मुझे एप्पल का, वहाँ पे मैंने येलो ऑकर से मतलब यहाँ पे मैंने उस चीज़ को येलो ऑकर यूज़ किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट येलो यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि रिफ्लेक्शन उतना ब्राइट नहीं होता है कभी भी, या फिर शेडो उतना ब्राइट नहीं होता है कभी भी, इसलिए मैंने येलो का जो डल शेड था येलो ऑकर मैंने उस चीज़ को यूज़ किया है। ठीक है, तो यही आपको देखना पड़ेगा, कलर थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली समझना पड़ेगा, एक एक ऑब्जेक्ट को उठाकर देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से कलर्स मिक्स हो रहे हैं, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से ब्लेंड करना है। जब आप कलर थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, कलर को किस तरीके से कमाएँ, तो फिर कलर को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है, किस तरह से मिक्स किया जाता है, कौन कौन से कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा शेड बनेगा, है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर जब आप अच्छे से वर्क कर लेंगे तो आप एक अच्छा सा ब्यूटीफुल वर्क बना सकते हैं। यही थ्योरी, कलर की थ्योरी हर मीडियम में अप्लाई होती है, कुछ ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, ब्लेंड करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट कलर थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट सारे में एक जैसी ही होती होगी। मतलब मुझे भी, मैंने भी इतना स्टडी नहीं करा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि एक्रेलिक में जब मैं करती हूँ तो भी मैं इसी टाइप से कलर थ्योरी को यूज़ करती हूँ, और मैं यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल कर रही हूँ तो भी ऑलमोस्ट वही सेम कलर्स यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और स्टार्टिंग में जब भी कुछ भी आप नया कुछ सीख रहे हैं, किसी नई चीज़ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ सिंपल सा सब्जेक्ट उठाएं, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा कि कलर थ्योरी के ऊपर मैंने, कलर के ऊपर मैंने वर्क करने स्टार्ट किया, तो मैंने एक सिंपल सा पेयर लिया, फिर धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ा सकते हैं, तभी हम प्रॉपर तरीके से अपने वर्क को इम्प्रूव कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही बार सबसे पहले ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उठा लें, तो हम कुछ किसी नई चीज़ के ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं विथ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और कुछ भी चीज़ें हम सही ढंग से कर नहीं पाते। इसीलिए कुछ भी ऐसा अगर कुछ नया करें तो सिंपल एक स्टिल लाइफ जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंडी कह सकते हैं, या फिर बहुत कंफर्टेबल सब्जेक्ट होता है, तो आप स्टिल लाइफ के साथ पहले करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा, मेरे जो भी ट्यूटोरियल्स हैं वो अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ एक बार लाइक कर दो। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत कम लाइक करते हो, सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ लाइक करो अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो, है ना, लाइक करने में क्या ही जाता है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच पाए, है ना। और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरा वर्क कैसा लगा, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस इज़ मस्ट, है ना। अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमने उस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया, तो वो चीज़ें फिर वो वेस्ट, है ना, वो स्टडी, वो मेहनत, वो सभी चीज़ें वेस्ट है जब अगर हमने उस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया। तो इसलिए आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट देखने से तो होने से रहा, प्रैक्टिस जब हम करेंगे तभी उस चीज़ के ऊपर वो कुछ काम आएगा, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, और मेरे साथ वर्क शेयर भी कर सकते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना वर्क शेयर कर सकते हैं। कुछ भी अगर फीडबैक चाहिए होगा, या कुछ भी अगर डाउट होगा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल के ऊपर, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ट्यूटोरियल डाल रखी है ना, तो आप वो लेसन भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप आर्ट बहुत ज़्यादा बेसिक बिगनर फंडामेंटल लेवल पर सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने ग्रेफाइट से और चाकू से ऑलरेडी मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल डाल रखी है, तो आप वो सब जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यह लेसन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।